ग्रैंड प्रीस्ट और उतने ही तगड़े कुछ फाइटर्स, क्योंकि एक विश जो कि ग्रैंड प्रीस्ट को भी भारी पड़ सकती है अगर वो मांगी जाए सुपर ड्रैगन बॉल से, जो कि बनाई गई हैं जालामा के द्वारा, और कुछ यूनिवर्सेस जो इरेज्ड कर दिए गए थे, कौन थे उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर्स, इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उनको हम कह सकते हैं कि वो ग्रैंड प्रीस्ट से मुकाबला कर सकते हैं या कर सकते थे जब वो जिंदा थे, और हो सकता है कि उनको आगे आने वाले जब भी आएगा सुपर का सीजन उसमें दिखाया जाए, क्योंकि ये हो सकता है एक मॉर्टल, एक डीमन, एक गाय, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक एंजल जो कि ग्रैंड प्रीस्ट के बच्चे हैं जैसे कि वीस और वाडोस, और सबसे आखिर में जालामा। आज हम इन सब का कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह सब इतने ज्यादा ताकतवर क्यों हैं और कौन किससे कितना ताकतवर हो सकता है। हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त प्रजीता, और अगर आप भी जानना चाहते हैं इस एक्साइटिंग कंपैरिजन के बारे में तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल पर भी, जिससे कि आपको मिलते रहे एनिमे से जुड़ी अमेजिंग चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बेस ग्रैंड प्रीस्ट की। जैसा कि हमें पता है, हमने उनकी शक्ति का तो एक भी एग्जाम्पल अब तक नहीं देखा है। वैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमने देखा था कि वो बहुत खतरनाक चीजें चुटकी बजाते ही कर देते हैं, लेकिन हमने वीस की कुछ टेक्निक्स देखी हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उनसे कितने ऊपर हैं। जैसे कि हमने देखा कि वीस टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं, वो स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर बात की जाए फाइटिंग की तो वीस भाई नेक्स्ट लेवल पे हैं, हम उस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। तो सोचो ग्रैंड प्रीस्ट का लेवल क्या होगा जो इन सब का बाप है। और फिर निकल के आता है ग्रैंड प्रीस्ट का सबसे पहला प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर जालामा। इस बंदे ने सुपर ड्रैगन बॉल्स बनाई हुई हैं जो कि कोई भी विश पूरी कर सकती है, चाहे उसमें आप मांग लो कि ग्रैंड प्रीस्ट के बाजे बज जाए, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, किसी भी यूनिवर्स को मिटाना हो, कुछ भी उन सुपर ड्रैगन बॉल से आप मांग सकते हो बिना किसी टेंशन के। और जैसे कि हमें पता है कि ड्रैगन बॉल्स बनाने वाला और ड्रैगन बॉल्स की शक्तियां लगभग बराबर ही होती हैं, हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हम चीजें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे। तो जब यह सुपर ड्रैगन बॉल्स इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं, तो वो बंदा जिसने इनको बनाया है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, और भाई वो है कहाँ? उसका नाम सीरीज में सिर्फ एक से दो बार लिया गया है और उस बंदे का एक्सपीरियंस तक नहीं है, और उसके नाम से जहां तक पता लगता है वो एक सेलेमेंडर टाइप कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी शक्तियां देखना बाकी है। लेकिन अगर उसकी शक्ति का एग्जाम्पल लें सुपर ड्रैगन बॉल से, तो उसकी शक्तियां भी अभी बहुत नेक्स्ट लेवल हैं। ये तो हो गए ग्रैंड प्रीस्ट और जालामा। अब इनके बाद आपके दिमाग में सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे एंजल, और वो बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि चेला अपने गुरु को, यानी कि बच्चे अपने माँ बाप को सरपास कर जाए ताकत में, जैसा कि हमने देखा था जब कोहान ने लिमिट अपना पोटेंशियल ब्रेक कर दिया था और वो गोकू से भी आगे जा चुका था एक हाफ सैयन होने के बावजूद भी। लेकिन फिर उसके बाद गोहान की कोई स्टोरी अच्छी नहीं हुई, वो किसी अगली वीडियो का टॉपिक होगा, लेकिन हमने देखा कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कोई एंजल जो कि ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज्यादा ताकतवर हो, और ये भी हो सकता है कि क्या पता वो वीस ही हो, लेकिन वीस ने ऐसा आज तक कुछ बोला नहीं, लेकिन जो इरेज्ड यूनिवर्सेस हैं जिनको मिटा दिया गया है, क्या वो एंजल उनमें से हो सकता है जो ग्रैंड प्रीस्ट से ज्यादा ताकतवर हो? क्या पता उन यूनिवर्सेस को इसलिए ही मिटाया गया हो कि भाई वो ग्रैंड प्रीस्ट को भी तंग कर रहे हो? बहुत कुछ हो सकता है। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम एक मॉर्टल की, यानी कि एक आम मॉर्टल जिसे मारा जा सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो उस लेवल पे टक्कर कर सकता है। तो हाँ, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सैयन की। मैं गोकू, वेजिटा इन दोनों को नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर लोग बात कहेंगे वेजिटा ज्यादा है, गोकू ज्यादा है। अभी स्टोरी में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, लेकिन सैयन एक ऐसी रेस है मॉर्टल्स की जो इस लेवल पर जाने की हिम्मत रखती है और रखेगी, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गोकू ने ऐसे हासिल किया कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी अच्छे से नहीं कर पाया, और इधर गोकू वो करके बैठ गया। ऑसम गोकू, ऑसम है, क्या बोल सकते हैं उसमें। तो इसके बाद हम आते हैं अब एक गाय। अब जब एक मॉर्टल कर सकता है, एक गाय कर सकता है, या फिर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी तो उस चीज को कर सकता है, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और काय। अब काय, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल, ये जो इरेज्ड यूनिवर्सेस हैं, इनके साथ इतनी सारी स्टोरीज बनाई जा सकती हैं अगर आगे हमें ड्रैगन बॉल सुपर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या ताकतवर चीजें इस ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में हमारा वेट कर रही है जो हमें स्टोरी में देखने को मिलेंगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई ही होगी, क्योंकि सच्चे ड्रैगन बॉल फैंस ऐसी थ्योरीज बिल्कुल पसंद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो काय, एंजल, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या एक डीमन
जिसकी होने की उम्मीद इतनी नहीं है क्योंकि वो सुपर ड्रैगन बॉल हीरो से रिलेटेड चीज है, या फिर ग्रैंड प्रीस्ट का कोई अभी का सन या डॉटर, या फिर जालमा, कौन हो सकते हैं वो ताकतवर जो कि ग्रैंड प्रीस्ट की टक्कर पर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहा मेहा।